नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। यात्रियों को संतुष्ट करने में दरभंगा एयरपोर्ट पूरे देश में चौथे नंबर पर। नहाए खाए के साथ चैती छठ की हुई शुरुआत। सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में ईओयू ने पूर्व डीजीपी से की पूछताछ। वोट देने के लिए मैथिली ठाकुर ने दिलाई शपथ। विराट कोहली ने अपने फैंस से माफी मांग कर की ये अपील। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में ईओयू ने पूर्व डीजीपी से की पूछताछ। सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में ईओयू ने पूर्व डीजीपी से पूछताछ की है। बताया जाता है कि पूर्व डीजीपी से करीब 2 घंटे की लंबी पूछताछ की गई। ईओयू की विशेष टीम ने पूर्व डीजीपी के आवास पर उनसे पूछताछ की। एसपी के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई और इसके लिए सवालों की लंबी सूची को तैयार किया गया था। पूछताछ के दौरान पेपर लीक होने की वजह और इससे जुड़ी संभावनाओं से लेकर कई सवाल किए गए। वहीं पूर्व डीजीपी ने पूरी सहजता के साथ सवालों के जवाब दिए हैं, साथ ही जांच पदाधिकारियों को पूरी तरह से सहयोग किया। पेपर की छपाई से लेकर अन्य जानकारी इकट्ठा की गई है। यात्रियों को संतुष्ट करने में दरभंगा एयरपोर्ट पूरे देश में चौथे नंबर पर। दरभंगा एयरपोर्ट ने इतिहास रच दिया है। ये एयरपोर्ट ग्राहकों की संतुष्टि के मामले में पूरे देश में चौथे स्थान पर है। राष्ट्रीय स्तर पर दरभंगा एयरपोर्ट इस मामले में चौथे स्थान में शामिल हुआ है। और जानकारी के अनुसार जुलाई से दिसंबर के बीच AAI ने ग्राहक संतुष्टि का एक सर्वे कराया था और इस सर्वे में भोपाल एयरपोर्ट पहले स्थान पर है, जबकि दरभंगा एयरपोर्ट 56 हवाई अड्डे में चौथे स्थान पर शामिल हुआ है। ग्राहक संतुष्टि सूचकांक के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया। जानकारी के अनुसार ये सर्वे साल में 2 बार किया जाता है। इसमें स्वच्छता, सुविधा, कर्मचारियों के व्यवहार आदि को देखा जाता है। विक्रमशिला समेत कई ट्रेनों में लगाए जाएंगे अतिरिक्त AC कोच। रेल यात्रियों को राहत मिले, इसे लेकर रेलवे की ओर से कई तरह के प्रयास किए जाते हैं। AC कड़ी में विक्रमशिला समेत कई ट्रेनों में अतिरिक्त AC कोच लगाने का फैसला किया गया है। गर्मी के मौसम में लोगों का सफर आसान हो जाए, इसी मकसद से ट्रेनों में अतिरिक्त AC कोच जुड़ेंगे। यात्रियों की मांग को संज्ञान में लेते हुए लंबी दूरी के करीब आधा दर्जन ट्रेनों में अतिरिक्त AC बोगी लगाई जाएगी। बताया जाता है कि विक्रमशिला, भागलपुर LTT, पाटलिपुत्र LTT, फरक्का LTT समेत अन्य ट्रेनों में AC कोच की संख्या में इजाफा होगा। नहाए खाए के साथ चैती छठ की हुई शुरुआत। नहाए खाए के साथ चैती छठ की शुरुआत हो गई है। गंगा घाट पर छठ व्रतियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। घाटों पर बैरिकेडिंग की गई है। नहाए खाए को लेकर लोगों ने गंगा स्नान किया है और गंगा में डुबकी लगाई है और इसके साथ ही भगवान सूर्य की आराधना की। छठ महापर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मालूम हो कि साल में 2 बार छठ का त्यौहार मनाया जाता है। आज नहाए खाए है, कल खरना होगा। वहीं 14 अप्रैल को शाम में भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा, जबकि 15 अप्रैल को सुबह में भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और इसके साथ ही चैती छठ का समापन होगा। निश्चय रथ पर सवार होकर रोड शो के लिए निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निश्चय रथ पर सवार होकर रोड शो के लिए निकल गए हैं। आज जो CM नीतीश कुमार नवादा में रोड शो कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पहली बार बस से रोड शो कर रहे हैं। इसके लिए खास तौर पर बस को डिजाइन किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री नवादा समेत अन्य लोकसभा क्षेत्रों में रोड शो करेंगे। इस रथ पर बिहार की उपलब्धियों की चर्चा की गई है। आपको बता दें कि इस रथ का नाम निश्चय रखा गया है। इस पर लिखा गया है कि रोजगार का मतलब नीतीश कुमार, CM NDA के पक्ष में वोट अपील करेंगे। इसकी शुरुआत नवादा से हुई है। वोट दिलाने के लिए मैथिली ठाकुर ने दिलाई शपथ। लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने गीत गाकर लोगों से वोट करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने मतदाताओं को वोट देने के लिए शपथ दिलाई। मैथिली ठाकुर कहती है कि वो पहली बार वोट देने के लिए काफी उत्सुक है। दरअसल बोधगया में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें मैथिली ठाकुर ने लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। इधर लोगों ने मैथिली ठाकुर के गीत का आनंद उठाया। इस दौरान भारी संख्या में स्कूली बच्चे मौजूद रहे। मैथिली ठाकुर ने कहा है कि वोट हमारा अधिकार है और हमें हर हाल में मतदान करना चाहिए। सहरसा में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का किया खुलासा। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है। सहरसा के इटहरी थाना क्षेत्र के लक्ष्मीनिया गांव में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। बताया जाता है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने कई निर्मित के साथ अर्ध निर्मित गन को बरामद किया, साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान
पुलिस को 15 अवैध देसी हथियार और 152 गोली सहित हथियार निर्माण में उपयोग होने वाले उपकरणों को बरामद किया गया। छत्तीसगढ़ के करोड़ों के कथित शराब घोटाले के मामले में आरोपी की बिहार से गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ के करोड़ों के कथित शराब घोटाले के आरोपी की बिहार से गिरफ्तारी की गई है। छत्तीसगढ़ की एसीबी और ईओयू ने छापेमारी की। वहीं गिरफ्तारी के बाद टीम आरोपी को लेकर छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो गई। एसीबी ने गोपालगंज के बोड़ी थाना के सहयोग से ये एक्शन लिया है। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है। बताया जाता है कि अभियुक्त अपने रिश्तेदार के घर पर रह रहा था। जानकारी के अनुसार आरोपी फरार था। इस मामले की छत्तीसगढ़ एसीबी और ईओयू जांच कर रही है। फिलहाल भोरी थाना क्षेत्र के सीसई गांव से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पवन सिंह ने वीडियो शेयर कर लिखा, काराकाट की जनता के लिए जान हाजिर। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि काराकाट की जनता के लिए जान हाजिर है। आप लोगों ने पवन सिंह को बनाया है, अब हमारी बारी है। आपको बता दें कि पवन सिंह के द्वारा शेयर वीडियो में काराकाट के लोग हैं जो पवन सिंह के लिए समर्थन की बातें कर रहे हैं। मालूम हो कि काराकाट की लोकसभा सीट रोहतास जिले के अंतर्गत आती है। पवन सिंह ने कुछ दिनों पहले ही यहां से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि पवन ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो किस पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। नवादा में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की रैली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज नवादा में रैली का आयोजन किया गया है। सीएम नीतीश कुमार यहां चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। दूसरी ओर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की आज गया जमुई नवादा में चुनावी जनसभा है। इसमें वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी शामिल होंगे। इधर गया में लोज पर रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही शाम के समय इनका यहां पर रोड शो भी होगा। इसमें काफी लोगों की भीड़ के जुटने की संभावना जताई गई है। पीएम मोदी को जेल भेजने की बात पर मीसा भारती बोली, तोड़ कर दिखाया गया मेरा बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल भेजने के बयान पर पाटलिपुत्र से राजद की लोकसभा प्रत्याशी मीसा भारती ने कहा है कि उनके बयान को तोड़कर दिखाया गया। उन्होंने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में दोषी जो होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा। मीसा भारती ने कहा है कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। यही बात उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास और कोई मुद्दा नहीं है। मीसा भारती ने आगे कहा कि उनके बयान को तोड़कर दिखाया गया और उनकी बातों को लोगों को पूरा सुनना चाहिए। हिना साहिब ने सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने सिवान से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। तमाम अटकलों पर हिना शहाब ने विराम लगा दिया और कहा है कि उनका सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ना लगभग तय है और वो अपने बयान पर कायम है। हिना शहाब ने कहा है कि नेताओं का जुमला बदलते रहता है लेकिन जनता का नहीं। हिना शहाब ने बताया है कि वो एक आम जनता है, इस बार वो निर्दलीय चुनावी मैदान में होगी। इधर राजद की ओर से सिवान को छोड़ अन्य सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। घर से प्रचार गाड़ी जब्त होने के बाद पप्पू यादव ने दिया बयान, साजिश के तहत हुई कार्रवाई। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के आवास पर छापेमारी हुई। पूर्णिया के सदर डीएसपी पुष्कर के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल ने छापेमारी की। इस दौरान पप्पू यादव अपने घर पर मौजूद थे। पुलिस ने पप्पू यादव से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की और उसके बाद उनके कार्यालय से प्रचार गाड़ी को जब्त किया गया। इसके बाद पप्पू यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि साजिश के तहत ये कार्रवाई की गई है। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पप्पू यादव ने लिखा है कि सरकार और कितना नीचे गिरेगी, पूर्णिया के बेटे को और कितना परेशान करेगी, इसका जनता जवाब देगी। पप्पू यादव ने आगे कहा है कि सुरक्षा देने के लिए इनके पास पुलिस बल नहीं है, छापा मारने के लिए सैकड़ों पुलिस भेज दिया गया। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बिहारियों के अपमान का लगाया आरोप। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा पर हमला बोला है। साथ ही बीजेपी पर बिहारियों के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि बिहार ने नरेंद्र मोदी को 40 में से 39 सांसद दिए हैं। केंद्र में 10 साल से भाजपा की सरकार है। दिल्ली और पटना में इनकी शासन और प्रशासन है। बड़े पूंजीपति भी इनके साथ है। बिहार के युवाओं को नौकरी देने, विशेष राज्य का दर्जा देने, बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए और क्या चाहिए। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि इतने सांसद और डबल इंजन की सरकार के बाद भी आप बिहार को कुछ नहीं देकर जाते हैं तो बिहारियों को भला बुरा कहते हैं। इसके बाद बिहारी आपको कड़ा सबक सिखाएंगे। विराट कोहली ने अपने फैंस से माफी मांगकर की ये अपील।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ी विराट कोहली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वो वानखेड़े स्टेडियम में दर्शकों से मजेदार बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर फैंस विराट कोहली के लिए गेंदबाजी के नारे लगाने लगे और इसके बाद विराट कोहली अपने फैंस से माफी मांगते हैं और ऐसे नारे लगाने से उन्हें रोकते हैं। मालूम हो कि आईपीएल की 27वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को मुंबई की टीम से हार का सामना करना पड़ा। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। आरसीबी की सीजन की ये 5वीं हार रही। आपके अनुसार आईपीएल 2024 में आरसीबी के खराब प्रदर्शन का क्या कारण हो सकता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा लिखे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नौशाद राजा, राजकिशोर महतो, सदुल्ला पालवी, अमन कुमार, बाबूलाल मरांडी, रवि कुमार राम, अर्जुन कुमार राम, दीपक कुमार, संजय कुशवाहा, दीपक कुमार, राजेश मांझी, अमित कुमार, राकेश मिश्रा, राजकिशोर महतो। उसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप बिहार के किस पर्व में सबसे अधिक आनंद उठाते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूले। धन्यवाद।